अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो इंतहाई अहम है। आप लोग वीडियो पूरा देखें अव्वल से आखिर तक, ताकि आप दोस्त समझ सकें। मुझे एक भाई ने मैसेज किया था कि यार उमेर भाई, मुझे मैंने अपना अपशर ओपन किया, अपशर में जब मैंने देखा तो उसमें एबसेंट फ्रॉम वर्क यानी मुतगीब अनिल अमल थे, और आपने तो कहा था कि यार 24 के बाद कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स के पीछे वो हुरूब नहीं दे सकता। तो आपने क्या झूठ बोला था, ये आप क्या था? ये वीडियो इस हवाले से है, आप वीडियो पूरा देखें ताकि आप भी आने वाले वक्तों में इस तरह के बच सके और आपके पीछे भी हुरूब ना हो, ताकि वक्त पर आपको पता चल सके। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ये है कि 24 से पहले जितने भी हुरूब हुए थे उनके लिए तो ऐलान हुआ था कि आप अपना नया साहिबुल अमल लेके जाए, वो रसूम पे करे और उसके बाद आप अपना हुरूब खत्म कर सकते हैं। किसी भी जगह पर आप नकल कफाला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नया कानून आया कि उसके बाद कोई भी मुअस्ससा, कोई भी मंशा, कोई भी साहिबुल अमल बड़े मैनेजर जो है वो अपने वर्कर्स के वो हुरूब नहीं दे सकते, और हुरूब के जगह पर आ गया था नया लफ्ज जिसका माना था इनकिता अनिल अमल, काम से कट जाना। जब आपकी कंपनी आपको इनकिता अनिल अमल करे तो आपको एक मैसेज आता है आपके अपशर नंबर पे, और उसमें आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। उस में ये लिखा होता है कि आपकी कंपनी ने आपको इनकिता अनिल अमल कर दिया है। आपके पास अभी दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, आप या खुरुज निहाई चले जाए निजामी तरीके से। पहले जब कफील आपका हुरूब देता था तो उसमें आप ना तो खुरुज निहाई जा सकते थे और आपके पूरे खदमात बंद होते थे। अभी क्या है, या तो आप खुरुज निहाई चले जाए या अदरवाइज आप किसी दूसरे जगह पर आप नकल कफाले करें। ये खुरुज निहाई जब कफील लगाए तो उसमें आप खुरुज नकल कफाले नहीं कर सकते, जब आप इनकता अनिल अमल करें आप। तो इस भाई के साथ क्या हुआ था कि इसने मैसेज को इग्नोर किया था, इसने मैसेज नहीं देखा था और उस पे 2 महीने से ज्यादा गुजरे थे। तो मेरे भाई, इस बात का ख्याल रखे, आपके जब 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाए, इस पे 2 महीनों के अंदर अंदर आपने दोनों ऑप्शन पे एक में से अमल करना है। 2 महीनों से जब ज्यादा गुजर जाए इस पे, तो पहले जैसा आपको एबसेंट फ्रॉम वर्क यानी मुतगीब अनिल अमल शो होगा और वो फिर आप ब्लैक होंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, पहले वाले जैसा सिस्टम होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी सऊदी अरब में आप लोग हैं, बड़े महीने वाले हैं, कंपनियों में काम करते हैं, तो अब शर अपना नंबर ऑन रख लिया करें। किसी भी वक्त आपको इस तरह का मैसेज आ जाए तो 2 महीने का टाइम है, या खुरुज निहाई निजामी तरीके से चले जाए या आप दूसरे जगह पर नकल कफाला करें, वरना अगर आप इन दोनों में से कोई भी नहीं करे तो 2 महीनों के बाद आपको हुरूब शो होगा और फिर पहले जैसा आप उसको खत्म नहीं कर सकेंगे। तो इन चीजों का आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा ताकि आप लोग जो है ना वो प्रॉब्लम से बच सके। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।